सुप्रभात विद्यार्थियों, सप्तमह पाठ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अष्टमह पाठ, आठवां पाठ, जिसका नाम है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। तो स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित यह पाठ है। इसके लेखक डॉक्टर विक्रमजीत हैं। तो डॉक्टर विक्रमजीत को आपको याद रखना है, क्योंकि प्रसंग में आपको ये लिखना होता है। तो देखते हैं पाठ परिचय। हम राजस्थानस्य रत्नगर्भै इयं वसुंधरा धीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनी अस्ति। राजस्थानस्य, राजस्थान की रत्नगर्भै, रत्नगर्भा इयं वसुंधरा यह पृथ्वी, राजस्थान की रत्नगर्भा यह पृथ्वी, रत्नगर्भा अर्थात जिसके गर्भ से रत्न उत्पन्न होते हैं। तो राजस्थान की रत्नगर्भा यह पृथ्वी, धीराणाम धीरों की, धीर होता है जो व्यक्ति शांत स्वभाव वाला होता है उसको हम कहते हैं धीर। धीराणाम धीरों की, वीराणाम वीरों की, लोक देवता नाम लोक देवताओं की, भक्ता नाम भक्तों की, योगी नाम योगियों की, तपस्वी नाम तपस्वियों की, सती नाम सतियों की, सती सती कहते हैं पतिव्रता स्त्री को, सती नाम सतियों की, संता नाम चे और संतों की खनी अस्ति खान है। राजस्थान की रत्नगर्भा यह पृथ्वी, धीरों की वीरों की, लोक देवताओं की, भक्तों की, योगियों की, तपस्वियों की, सतियों की और संतों की खान है। कानी तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञासते चेत् तावति भूयसि तेषां संख्या यत् सर्वेषां नाम ग्रहणम् अपि न सुकरम्। कानी तानि रत्नानि, कौन से वे रत्न हैं, इति केनापि जिज्ञासते, ऐसा कोई जानना चाहता है, कौन से वे रत्न हैं, ऐसा कोई जानना चाहता है, चेत तो तावती संख्या, उनकी संख्या भूयसी अधिक है, यत कि सर्वेषां नाम ग्रहणम् अपि न सुकरम्, सभी का नाम लेना भी आसान नहीं है। कौन से वे रत्न हैं, ऐसा कोई जानना चाहता है, तो इनकी संख्या इतनी अधिक है कि सभी का नाम लेना भी आसान नहीं है। चेत तो तावती इतनी भूयसी अधिक है, तेसाम संख्या उनकी संख्या, यत कि सर्वेशाम नाम ग्रहणम अपि, सभी का नाम लेना भी न सुकरम आसान नहीं है। कौन से वे रत्न हैं, ऐसा कोई जानना चाहता है, तो इनकी संख्या इतनी अधिक है कि सभी का नाम लेना भी आसान नहीं है। अश्याम एव भूमौ नाति चिरम जातस्य एकस्य नररत्नस्य स्वामिने केशवानन्दस्य प्रेरकम् जीवन वृत्तम् अत्र संक्षेपेण प्रस्तुयते। अश्याम एव भूमौ, इसी भूमि पर, नाति चिरम जातस्य, अभी जन्म लिए या अभी पैदा हुए, एकस्य एक नररत्नस्य मनुष्य रत्न स्वामी केशवानंदस्य स्वामी केशवानंद के प्रेरकम प्रेरक जीवन व्रतम जीवन व्रत को अत्र यहाँ संक्षेपेण संक्षेप में प्रस्तुयते प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी भूमि पर अभी जन्मे एक मनुष्य रत्न स्वामी केशवानंद के प्रेरक जीवन व्रत को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवन व्रत, इसमें जीवन संबंधी विवरण बताया गया। अब पाठ शुरू हम करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत। स्वामी केशवानंदस्य जन्म, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे पौष महीने में 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, 1940 विक्रम संवत्सर ईस्वी है 1883। तो फर्क मैंने आपको बताया था कि इनमें 57 साल का फर्क होता है विक्रम संवत्सर और ईस्वी में।
स्वामी केशवानंद का जन्म पोष महीने में 1940 विक्रम संवत्सर 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जनपद में मगलूणा ग्राम में अभवत मगलूणा ग्राम में हुआ। स्वामी केशवानंद का जन्म पोष महीने में 1940 विक्रम संवत्सर में 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जनपद में मगलूणा गांव में हुआ। अश्य पितु नाम, इनके पिता का नाम ठाकुर सी डाका इति मातुचे और इनकी माता का नाम सारा इति आसीत सारा था। इनके पिता का नाम ठाकुर सी डाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इति आसीत, बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था। यदा एषे बाले, जब यह बालक सप्त वर्ष कल्पे आसीत, सात वर्ष का था। जब यह बालक सात वर्ष का था तदेव तभी उष्ट्रम एकम आश्रित्य, एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन कुर्वन करते हुए अश्य पिता दिवंगत है, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब यह बालक सात वर्ष का था तभी एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पितुः प्रयाणात् प्रागे विपन्तायां श्रेष्ठी गृहेषु गोधूम आदि पेषणम् पात्रमार्जनम् इति एवं आदि भी कार्यै यथा कंचित काल यापन कुर्वती अस्य बालस्य वरा की माता इदानीं वेधव्य कारणात् इतो अपि विपद अभिभूता अभवत्। देखिए, पितु प्रायणात् प्रागे, पिता के प्राण त्यागने से पहले ही विपन्नतायाम मुसीबत में श्रेष्ठी गृहेषु सेठ के घरों में गोधूम आदि गेहूं आदि पेशनम पीसकर पात्र मार्जनम बर्तन मांझकर इति एवं आदि भी कार्य, इन आदि कार्यों से यथा कंचित जैसे कैसे कालम यावन कुर्वंती समय यापन करती हुई अस्य बालस्य इस बालक की वराकी माता बेचारी माता इदानीम अब वेधव्य कारणात विधवा होने के कारण इतः अपि विपद अभिभूता अभवत और भी मुसीबत में हो गई। पिता के प्राण त्यागने से पहले ही मुसीबत में सेठ के घरों में गेहूं आदि पीसकर बर्तन मांझकर इन आदि कार्यों से जैसे कैसे समय यापन करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी मुसीबत में हो गई। उच्चते ही इसलिए कहा जाता है छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, परेशानी में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। इदानीं मातु सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम्, इदानीं अब मातु सहयोगाय माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक ने गोचारण कार्यम आरब्धम्, गोचारण का कार्य प्रारंभ किया अर्थात गाय चराना। अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक ने गोचारण का कार्य प्रारंभ कर दिया। तदानीन्तने दीनहीन है ग्रामीण है कृषक वर्ग है श्रमिक वर्ग है चे सामंतानाम राज्ञाम वैदेशिकानाम चे शासकानाम त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्धम आसी। तदानीन्तने है उसके बाद दीनहीन ग्रामीण किसानों का समूह है श्रमिक वर्ग है चे श्रमिकों का समूह है सामंतानाम सामंतों के राज्ञाम राजाओं के वैदेशिका नाम चे शासका नाम और विदेशी शासकों के
त्रिविधे तीन प्रकार के दास्ता गुलामी के पंजरे पिंजरे में आबद्ध आसीत बंधे हुए थे। उसके बाद दीनहीन ग्रामीण किसानों का समूह है और मजदूरों का समूह है, सामंतों के राजाओं के और विदेशी शासकों के, तीन प्रकार के गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए थे। सामंत मैंने आपको पहले बताया था कि ये राजा के समान ओहदे वाला सरदार होता है जो राजा के समान ही व्यवहार करता है। तो तीन प्रकार की गुलामी कौन सी हो गई, देखो सामंतों की हो गई, राजाओं की हो गई और विदेशी शासकों की हो गई। रौरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आसीत, रौरव नरक के समान ही तेसाम जीवनम आसीत उनका जीवन था, रौरव नरक के समान ही उनका जीवन था। देखो नरक, ये महाभारत में इसका वर्णन किया गया है रौरव का, पृथ्वी के नीचे पांच प्रकार के ये नरक बताए गए हैं, उनमें भी ये एक है रौरव नरक। तो रौरव नरक के समान ही उनका जीवन था। अयम पुनः गंडस्य ऊपरी पिटक है संवृत है, अयम यह पुनः फिर गंडस्य ऊपरी पिटक है, फोड़े के ऊपर फुंसी होना अर्थात मुसीबत के ऊपर मुसीबत आना, यह फिर फोड़े के ऊपर फुंसी होने जैसा संवृत हो गया, यह फिर फोड़े के ऊपर फुंसी होने जैसा हो गया। यत कि भयंकरो दुर्भिक्ष कालय समापन है, भयंकरो भयंकर दुर्भिक्ष कालय समापन है, अकाल आ गया कि भयंकर अकाल आ गया। छप्पनिया अकालय इति कुख्याते विक्रम संवत 1953 तमस्य तस्मिन दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणम अपि दुर्भरम आसी। छप्पनिया अकाल इति कुख्याते इस नाम से कुख्यात, छप्पनिया अकाल इस नाम से कुख्यात 1953 विक्रम संवत 1953 तमस्य तस्मिन उस समय दारुणे कठिन दुर्भिक्षे अकाल में प्राण धारणम अपि प्राण धारण करना भी दुर्भरम आसीत कठिन था। छप्पनिया अकाल नाम से प्रसिद्ध विक्रम संवत 1953 ईस्वी में उस समय कठिन अकाल में प्राण धारण करना भी कठिन था। चतुर्दिक्षु जलम न एव अन्नम न एव तृणम न एव, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में जलम न एव न जल था, अन्नम न एव न अन्न था, तृणम न एव न घास थी, चारों दिशाओं में न अन्न न जल और न घास। आसीत था तो केवलम केवल सुत पिपासियो भूख और प्यास का अखंडम साम्राज्यम अखंड साम्राज्य, था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणी नाम आर्तनाद है चे और प्राणियों की चीख पुकार, था तो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों की चीख पुकार। समी वृक्षाणाम त्वचम भरूड संगकम घासम चे खादित्वा मनुष्यः यथा कंचित प्राणान रक्षितवंत है। देखिए समी वृक्षाणाम खेजड़ी के वृक्षों की त्वचम छाल भरूड संगकम घासम चे और भरूट नामक घास को खादित्वा खाकर ही मनुष्यः मनुष्य यथा कंचित जैसे कैसे प्राणान रक्षितवंत है प्राणों की रक्षा कर रहे थे। खेजड़ी के वृक्षों की छाल और भरूट नामक घास को खाकर ही मनुष्य जैसे कैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु है प्राय काल कवलिता, पशु है पशु प्राय है प्राय काल कवलिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, पशु प्राय अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम् ग्रामात् ग्रामम् च अटन्तौ आस्ताम्, एतौ माता पुत्रौ अपि ये दोनों माता पुत्र भी जनपदात् जनपदम् एक जनपद से दूसरे जनपद में ग्रामात् ग्रामम् च और गांव से गांव अटन्तौ आस्ताम् घूम रहे थे। ये दोनों माता पिता एक जनपद से दूसरे जनपद और एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे।
अस्मिन् एव अंतरे सततम् दुर्भिक्षम् प्रताणे जर्जरिता बलवद् अवस्थाम् च विर्मा जननी अपि षोडश वर्ष देशीयम् इमं किशोरम् एकलम् विहाय दिवं प्रायातः। अस्मिन् एव अंतरे इसी बीच में सततम् लगातार दुर्भिक्ष प्रताणे अकाल से पीड़ित जर्जरिता जर्जर बलवत् स्वस्ताम चे अस्वस्थ होने के कारण विर्मा जननी अपि विर्मा की माता भी षोडश वर्ष देशियम 16 वर्ष की आयु में इमम किशोरम इस किशोर को एकलम विहाय अकेला ही छोड़कर दिवम प्रायाता स्वर्ग को प्राप्त हो गई अर्थात स्वर्गवास हो गया। इसी बीच लगातार अकाल से पीड़ित जर्जर और अस्वस्थ होने के कारण विर्मा की माता भी 16 वर्ष की आयु में इस किशोर को अकेला ही छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो गई। तो विद्यार्थियों आज हम ये दो गद्यांश ही लेंगे, एक गद्यांश में हमने पाठ परिचय बढ़ाए और दो गद्यांश में हमने भावार्थ किया है। तो ये भावार्थ आपको फेड नोटबुक में करना है और इससे आगे हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।